2019 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1.5 साल का वक्त हो, लेकिन बीजेपी अभी से ही इस चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है। सरकार और संगठन हर स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे समाज के निचले स्तर तक फायदा पहुंच सके। बीजेपी ने इसके लिए चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत की है। चौपाल कार्यक्रम के जरिए गरीब तबके और उसमें भी खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कुछ खास कदम उठाए गए हैं। चौपाल के तहत गरीब तबके को लोन दिया जाता रहा है, जिससे वो रोजगार के लिए कुछ कर सकें। लेकिन इस बार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को ई रिक्शा देने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अगुवाई में पूरा किया जाने वाला है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक यह पूरी कवायद 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। हालांकि इससे पहले भी चौपाल कार्यक्रम चलाया जा रहा था, लेकिन अब उसकी धार को और तेज किया जा रहा है। छोटे छोटे समूहों में महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से चौपाल के जरिए लोन देने की भी तैयारियां हो रही हैं, जिससे गरीब तबके की महिलाएं इसका फायदा उठा सकें। फिलहाल चौपाल कार्यक्रम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहले से चल रहा है, लेकिन इसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के संसदीय क्षेत्र नागपुर, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के क्षेत्र इंदौर के अलावा जमशेदपुर, भोपाल, रायपुर और कई बड़े जगहों पर बड़े स्तर पर करने की तैयारी है। चौपाल कार्यक्रम में अब तक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और राजनाथ सिंह भी शिरकत कर चुके हैं। इस कार्यक्रम को देश भर में लागू करने की योजना भी बनाई जा रही है।